हमने खरीदा है, जैसे कि एक क्यूकम्बर और ये है, तो वो वाला काफी ज्यादा। ये फ्लाई कैसे अटक किया था आपको? मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। आज है फ्राइडे और आज ना एक अच्छी सी चीज दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, और आज का अभियान के स्कूल में था वेजिटेबल डे और सारे ही पेरेंट्स को कहा गया था कि एक क्लॉथ बैग और 20 रुपीज करके भेजना। तो वहाँ पे क्या है कि उन लोगों ने ना एक वेजिटेबल मार्केट उन्होंने लगाया था, जो उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज किया था। और वहाँ से सारे ही बच्चों को वेजिटेबल खरीदना पड़ा ताकि उन लोगों को भी वेजिटेबल का नॉलेज हो और थोड़ा सा मार्केट के बारे में वो लोग भी समझे। तो ये रहा अभियान का बैग और इसमें क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। तो बहुत कुछ अभियान ने खरीदा है, जैसे कि एक क्यूकम्बर और फिर एक पोटैटो और एक परवल और ये 3 भिंडी। सो ये सब बिहान लेके आया है मम्मा के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज इन तीनों का कुछ ना कुछ बनाओ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बिहान के साथ मैं ऑलरेडी घर में भी खेलती हूँ कि बिहान मार्केट जाओ, कुछ सब्जी लाओ, कुछ फिश लाओ, तो बिहान हमेशा ऐसे ही खेलता है। तो आज तो उसको शायद बहुत ज्यादा मजा आ गया था। फिर मतलब स्कूल से ना मुझे वीडियोस फोटोज वगैरह भेजते भी है, तो अभी तक नहीं भेजा, आई थिंक शाम तक भेज देंगे, तो फिर मैं भी देख पाऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये सारी चीजें देखने के लिए। एंड बियान आ चुका है। कम 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 ओके। सो और पता है आप लोगों को, मैंने एक बात बताया ही नहीं कि बियान आजकल हैप्पी होके स्कूल जाता है, स्माइल करके, मुझे एकदम अच्छे से टाटा करके बियान स्कूल जाता है। पता है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो उन लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने पोस्ट कर दिया था। तो इट टुक हिम अराउंड 3 मंथ्स टू एडजस्ट इन द स्कूल। 3 मंथ लग गए ऑलमोस्ट बियान को स्कूल में एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अभी बियान स्कूल बहुत इंजॉय करता है, हैप्पी होके स्कूल जाता है और बहुत ही अच्छे से रहता है। तो कुछ ऐसा बियान कैमरा दिखा दो, बियान सैड फेस कैसा होता है? सैड फेस कैमरा है, सैड फेस, दिस इज सैड फेस एंड हैप्पी वाला फेस एंड सैड अगेन सैड फेस बोलता है। देखिए कैमरा देखिए सैड फेस। और मैंने जस्ट अभी लंच बनाया है। सो यहाँ पे मैंने चावल बनाया है और ये एक दाल बनाया है विद सम लीफी वेजिटेबल्स। सो ये बनाया है, ये ना पम्पकिन की जो डंठल होता है ना, पत्ता होता है ना, उसके साथ मैंने एक दाल बनाई है। और फिर ये है पत्ता गोभी की सब्जी विथ फिश हेड। सो ये बनाया है आज का खाना, एकदम सिंपल सा। और ये है बियान का टिफ़िन बॉक्स। तो बियान का टिफ़िन बॉक्स बिल्कुल खाली आया है और लकीली आजकल बियान का टिफ़िन बॉक्स एकदम खाली आता है। और आज मैंने बियान को टिफिन में दिया था वेज फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि बियान के स्कूल में ना नॉन वेज अलाउ नहीं है, तो जो कुछ भी देना पड़ता है वेज ही देना पड़ता है, तो इसलिए वेज फ्रेंच टोस्ट बना दिया था। सो मैं ना टिफिन बॉक्स की रेसिपीज बहुत सारे शूट कर रही हूँ, तो एकदम इकट्ठा करके मैं एक वीडियो में जल्दी लाने वाली हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं तैयार इसलिए हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि ये बियान का बर्थडे मंथ है और बर्थडे जस्ट आने ही वाला है कुछ दिन बाद। और काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे हैं कि बियान का एक हेयर कट दिलाने, क्योंकि बियान का हेयर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है ना, और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा स्वेट करता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हेयर को एकदम चॉप कर दे, छोटा छोटा कर दे, ताकि गर्मी ज़्यादा ना लगे उसको, और बर्थडे से पहले बियान का एक मेकओवर भी हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग जाएंगे सलोन बियान का हेयर कट कराने। तो इसलिए शैकत भी थोड़ा सा टाइम निकाला, हम तीनों मिल के जाएंगे बियान का हेयर कट कराने। बियान बुक लेके बैठा है, चलो चलो हेयर कट करना है, हेयर कट करना है, लेट्स गो। बाद में आके बुक पढ़ते हैं ना बियान, बाद में आके बुक पढ़ेंगे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो स्पाइडरमैन जूतू को स्पाइडरमैन जूतू। ओके, वी आर गोइंग, बाय 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 बाय, वी आर गोइंग, बाय 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 बाय। हेयर कट करानी है, देखो बाल कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है आपका, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, चलो हेयर कट करते हैं। और हम लोग अम्ब्रेला, रेनकोट सब कुछ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वेदर जो है ना वो कुछ ऐसा है, कभी भी बारिश आ सकता है।
और हम लोग आ गए हैं पीवीआर टावर में, मीन्स जोश हेयर कटिंग सैलून में। तो यहाँ से ही बियान का हेयर कटिंग हम लोग जो है ना वो कराते हैं, या का पसंद है। सो चलिए। देखिए वियान का हेयर कट, वियान का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है, वियान का मूड ऑफ हो चुका है ना वियान? हैप्पी फेस? हैप्पी नहीं, नो हैप्पी। पर अभी मौसम देखिए, बारिश हो रही है, एकदम बूंदा बूंदी है और धूप भी निकल आई है दोनों साथ में। पर हेयर कट वियान ने बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन क्या हुआ ना कि जब उसका नीचे का जो शेप कर रहे थे ना, तो उसमें ना वियान थोड़ा सा रोने लग गया था, तो थोड़ी बहुत आंसू आई थी, बाकी का वो अच्छे से किया। और देखिए वियान का जब हेयर कट हो रहा था ना, यहाँ पे जब शेप कर रहा था, तो वियान ने अचानक से मूव किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस आया। उन्होंने ही दिखाया कि देखो यहाँ पे स्क्रैचेस लग गए, ध्यान रखना, क्योंकि दोष बिल्कुल वियान का था, उन लोगों का नहीं था, वो लोग बहुत केयरफुली कर रहे थे, लेकिन वियान ने अचानक से मूव किया तो ऐसा हो गया। तो इसलिए मैं भी यहाँ पे बोरोप्लस लगाऊंगी। वेयर इज योर गोल्ड फिश? वेयर? Oh, this. And where is the bunny? Where is bunny? Bunny? Find out. Find out where is bunny? Dada. Where?
दिस इज बर्नी राइट बिट्टू मैंने यहाँ पे बोरो प्लस लगा दिया है तो ये ठीक हो जाएगा नथिंग और ये ना अभी अभी ऑफिस से आए हैं और कुछ लेके तो आए हैं देखती हूँ क्या क्या लेके आए हैं और व्यान बहुत एक्साइटेड है कि क्या खाने के लिए लेके आए ओके सो यस अमी खाबे क्या है ये कचौरी Yes. ये नाचने लगा है कचौड़ी सुन के मतलब कुछ भी ऐसे बाहर का खाना अगर खाने के लिए दो ना तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है वेट ये जो पापा आ रहे हैं ढोकला दिस इज कॉल्ड ढोकला मुझे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो रिसेंटली सोशल मीडिया पे स्पेशली फेसबुक पे या फिर टीवी में हम लोग जो देख रहे हैं ना कि हमारे जो एरिया है ना यहाँ पे नायरोबी फ्लाई और एसिड फ्लाई का अटैक हो रहा है सो ये सिलीगुड़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में है बोल सकते हो और इनको काट चुके हैं मैं ऑलरेडी मैं इससे इफेक्टेड हूं लेकिन वो yes. मतलब हमें तब ना वायरल होने से पहले से ही इनको मतलब इनको अटैक कर दिया था हमें पता नहीं था तब हमने ना ही फेसबुक पे ना ही टीवी पे ऐसा कुछ भी कुछ नहीं देखा था हमने कोई आइडिया नहीं था तो इनको लगा कि अचानक से इनको ना वहां पे जलन होने लगा रेड हो गया था शायद ना तो इनको लगा कि स्कूटी से शायद कहीं से छिल गया हो हाँ काट गया होगा या फिर छिल गया होगा कुछ ऐसा फिर ना उन्होंने एक दिन ना बोरो प्लस लगा रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो बोरो प्लस लगा रखते हैं फिर क्या हुआ कि आफ्टर टू डेज मैं वहां पे देख रही हूँ कि वहां पे ना दाने निकल रहे हैं और मैं दिखाऊंगी अभी पिक्चर आप लोगों को कि कैसा है अभी तो वहां पे ना दाने निकल रहे थे लाइक वो दांत जैसा होता है ना दांत तो एग्जैक्टली वैसा हो रहा था तो मैंने उनको कहा कि ये तो अलग ही कुछ है तो उन्होंने कहा कि आजकल फेसबुक में यही दिख रहा है कि एसिड फ्लाई नायरोबी फ्लाई कुछ ऐसा है जो अगर मतलब बैठता है ना तो अगर आप उसको टच करते हो तो वो जगह वो एसिड छोड़ देता है और आपकी जो स्किन है ना वो कुछ जल जाता है कुछ ऐसा तो इनके ऊपर अटैक हो गया मैं दिखाती हूँ आप लोगों को तो ये जो आप देख रहे हो ना ये 1 वीक बाद का है पहले जब बहुत ज्यादा हुआ था ना तब हमारे पास उसका कोई भी फोटो या फिर वीडियो कुछ भी नहीं है तो ये आफ्टर 7 डेज है तो ये है और एक है दिखा दो और ये है तो वो वाला काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुका है लेकिन ये वाला ना रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये अभी तक इसका जो स्टेटस है ना ये कुछ ऐसा ही है तो ये तो मेडिसिन लगा रहे हैं तो पता नहीं कब तक ये तो मेडिसिन लगा हुआ है ना मेडिसिन नहीं है ये मेडिसिन नहीं है
तो ये कुछ ऐसा स्टेटस है अभी, तो पता नहीं ये कब तक सही होगा या पता नहीं। ये फ्लाइट कैसे अटक किया था आपको? ये मुझे पता नहीं, शायद आप स्कूटी में जलपाईगुड़ी जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से उसी समय शायद हो सकता है। हाँ, उसी समय शायद हो सकता है, उनके पैर में बिठा होगा और वो ऐसे ही रब करके हटा दिया होगा नहीं देख के, एकदम छोटा है और तब हमें कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है भी। जो काम करना था ना इनको कर दिया था ऑलरेडी, तो ये मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है। हाँ, हमें बाद में पता चला था। और यू नो, जब बॉबी यहाँ पे थी ना कुछ दिन पहले, दो दिन पहले, तब हमारे घर में भी वो वाले जो इंसेक्ट है ना वो आ गया था, और वो ना इतू सा था, एकदम चीटिया जैसे होता ना, उससे थोड़ा सा बड़ा आप बोल सकते हो, लेकिन पता भी नहीं चलता है। हम लोगों ने जैसे अभी फेसबुक वगैरह में फोटोज देखे हैं, तो इसलिए अगर पास से देखो तो पता चलता है हाँ ये वो वाला फ्लाई है। सब लोग सावधानी से रहना, लेकिन हाँ उतना भी डरने वाला कोई बात नहीं, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। लेकिन अगर कुछ भी बैठे ना तो ऐसे रब मत करना, फू करके काम चला लेना। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन स्टिल मैं इवनिंग से मैं ना डोर विंडो सब कुछ बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि वरना कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एक दिन आया है ना तो बार बार आ सकता है, और मेरे घर में बच्चा भी है, तो मैं इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहती। चाहे जितना भी गर्मी हो, मैं डोर विंडो सब कुछ बंद करके रखती हूँ, तो ये बात है। और गाइस, इसके साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ खत्म। तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम सब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।